गाइस, हाउ आर यू? बढ़िया ना आप सब लोग? आई एम रूही मलिक ऑफ यू. डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश मंत्रा. डियर, सो आज हम स्टार्ट करेंगे, आज हम बात करेंगे वोकैबुलरी की, कि हम अपनी वोकैबुलरी कैसे इंक्रीज करें या फिर हम कैसे याद करें, हाउ टू लर्न वोकैबुलरी. ठीक है, अगर हम नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से देखते हैं कि वोकैबुलरी को कैसे याद करेंगे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से हमें कैसे याद करना है कम टाइम में. ठीक है, हम टू वेज में देखेंगे वोकैबुलरी को. फर्स्ट वे होगा हमारा कि हमारे पास कम टाइम है और हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है. ठीक है, तो हम उसमें कैसे करते हैं, और लॉन्ग हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है और हम अपना सेल्फ डेवलपमेंट चाहते हैं, तो वोकैबुलरी हम कैसे याद करेंगे, वर्ड मीनिंग को कैसे याद करेंगे. ठीक है, तो हम दोनों वेज से देख लेते हैं जो हमारा बहुत अच्छे से हम कैसे याद कर सकते हैं, और काफ़ी सारे जो एक्सपीरियंस्ड हैं लोग उनके कहने से, और मैंने जो खुद पे अपने आप पे ट्राई किया है, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी. सो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, एंड वी कैन डू एवरीथिंग. ओके, एंड कैसे याद नहीं होगा, अच्छे से याद हो सकता है अगर आप डेली ट्राई करेंगे तो. डियर, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वे को, कि हमारे पास कम टाइम है और हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है. हमारे पास 2-3 मंथ्स हैं और उसमें ही हमें अपनी वोकैबुलरी कम्प्लीट करनी हो और स्ट्रॉन्ग भी बनानी है. ठीक है डियर्स, तो हम कैसे देखेंगे, हम उसको देखते हैं. हमारा एक क्या होता है, फर्स्ट थिंग होती है हमारी, हम प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के जो पेपर हैं उनको कलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, उसको कलेक्ट करने के बाद हम प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के जो पेपर हैं उनको देखेंगे, हमें कैसे उसमें जो हमारे वर्ड मिलते हैं ना वो किस तरीके के हैं. जो एग्ज़ाम में वर्ड आते हैं वो हमें पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, कि किस टाइप के वर्ड हमारे मतलब लास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं. डियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पहले सारे जो वो है ना कलेक्ट कर लीजिए, सारे जो पेपर है ना उनको कलेक्ट कर लीजिए, उनके कलेक्शन के बाद आप उनको एक बार देख लीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे ना तो आप खुद आप समझ पाएंगे कि ये वर्ड किस टाइप के हैं. ठीक है, जब आपको एक बार ये समझ में आ गया ना कि ये वर्ड किस टाइप के हैं, तो आप इजिली कर सकते हैं उसके बाद, क्योंकि आपको ना इधर उधर के फिर सारे वर्ड उठा के नहीं देखना है. फिर आपको क्या करना है, जिस टाइप के वो वर्ड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको उस टाइप के ही वर्ड याद करने हैं ओनली. ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने वर्ड देखे हैं उसके बाद हमें याद करना है कि याद कैसे करें हम. ठीक है, फर्स्ट थिंग हमारे पास यही आती है कि हाउ टू लर्न वोकैब. ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम याद करने की बात आती है तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, आजकल डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी होने लगे हैं, जिसमें लगे हैं उसमें क्या होता है, ऐसे दिया जाता है, हमें ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है, लेटर लिखने के लिए दिया जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें भी हमारी वोकैबुलरी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वोकैबुलरी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, PDF, जैसे एक नेट पे इंटरनेट पे बहुत ईजिली मिल जाती है, एक PDF है. ठीक है, उसका नाम है वेरेंस PDF जो है, उसमें 3500 वर्ड अवेलेबल हैं. ठीक है, आप उस PDF को मतलब डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट पे जाके. ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं उस PDF को और आप मतलब उससे पढ़ सकते हैं इजीली. ठीक है, तो वेरन नाम की ये जो PDF है, ये CET के एग्जाम्स के मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इसको तैयार किया गया है. CET के एग्ज़ाम जो है वो अमेरिका में होता है, अमेरिका में CET के एग्ज़ाम जो होता है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस वेरिंग की जो PDF है उसको मतलब तैयार किया गया है. उसमें 3500 वर्ड हैं. ठीक है, अगर आप उन वर्ड को चाहें अपना मतलब डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन में, या जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप यूज़ नहीं भी करते हैं तो आप जाके किसी भी कैफ़े पे अपना मतलब ये तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है. अगर आपको सीरियसली आप एक मतलब पढ़ने के लिए सीरियस हैं और आप मतलब कुछ करना चाहते हैं, या आप सीरियसली याद करना चाहते हैं, देन आपको खुद पता है कि आपको क्या करना है. अगर आप स्क्रीन पे नहीं पढ़ पाते हैं तो आप क्या करिए, उसको उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए. एक बार का काम होगा ये आपका और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा. आप उसका प्रिंट आउट निकलवाइए और उसके बाद उसको कलेक्ट करिए, उनके वर्ड को क्या है ना लिस्ट बनाइए. वर्ड की लिस्ट बनाने के बाद आप क्या करेंगे, पर डे आपको ना 20 वर्ड याद करने हैं. ठीक है, अब मैं समझ सकती हूँ 20 वर्ड याद करना इट्स नॉट अ मतलब इजी वर्क फॉर यू, बिकॉज एवरी स्टूडेंट क्या होता है कि सारे हम जो स्टूडेंट सारे होते हैं ना वो क्या करते हैं, बचपन से जब 5 वर्ड याद नहीं होते इजी वाले, गुड क्या होता है, बैड क्या होता है, तो अभी 20 याद करना थोड़ा मुश्किल है. अभी तो मेमोरी जो है ना थोड़ी इंक्रीज भी हो चुकी है, तो उसको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो हम क्या करते हैं, हम याद करने का एक वे देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से याद होगा. ठीक है, मैं अगर अपना वे बताऊँ तो मैं हर एक चीज़ को मतलब जो है ना नेचर से ऐड कर देती हूँ. कोई भी वर्ड है मेरा, मैं उसको नेचर से ऐड कर देती हूँ और उसके बाद मैं उसको याद करती हूँ, उसका एक लिंक बना देती हूँ, उसका एक सेंटेंस बना देती हूँ इन हिंदी. अगर हम हिंदी जो हमारी मदर
टंग है, जो हमारी मदर टंग से हम जो भी चीज़ बोलते हैं याद करते हैं वो हमें कभी नहीं भूलते, ठीक है। मैं कहती हूँ कि अभी आपको वर्ड मीनिंग याद नहीं हो रहा है और मैं कहूँ कि इंग्लिश में ही सेंटेंस को बनाइए और फिर याद करिए, इट्स अ वेरी टिपिकल फॉर यू, ठीक है। तो टिपिकल हो जाएगा ये आपके लिए और उसके बाद आप कर भी नहीं पाएंगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। तो आप क्या करिए, उसको हिंदी में ही उसका जो है जो भी वर्ड है उसको आप लीजिए और उसका वर्ड का एक सेंटेंस बनाइए, एक नेचर से ऐड करते हुए सेंटेंस बनाइए। मैं ऐसे ही याद कराती हूँ, मेरे जो चैनल है इस पर आपको वोकैबुलरी का एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, उसको आप देख सकते हैं कैसे अपलोड किया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं लाइव सेशन, इसका लाइव सेशन ले सकती हूँ वोकैबुलरी का ओनली, वन वीक में या पर डे भी ले सकती हूँ, अगर आप डेली याद कर सकते हैं 20 वर्ड। और अगर सीरियसली अगर आप वैसे याद करेंगे ना, एक लिंक बना के एक वर्ड को याद करेंगे तो आपको ईजिली 20 वर्ड याद हो जाएंगे। पर डे आप 20 वर्ड याद करते रहिए, ठीक है। पर डे आप 20 वर्ड याद करेंगे तो जो है ना, आप अपने एग्जाम के पास जाते जाते आप खुद में देखेंगे आप में काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ है और आप अपने एग्जाम को क्रैक भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या करना है आपको, ये नहीं करना है कि 20 वर्ड पर डे याद करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे और रिवाइज का कुछ पता ही नहीं है। हमारे लिए मस्ट है रिवीजन, ठीक है। अगर हमने 20 वर्ड याद किए आज, तो अगर हम कल पढ़ रहे हैं तो अगर हम 20 वर्ड वो वाले रिवाइज नहीं कर सकते पर डे, नहीं कर सकते डेली, ज़्यादा हो जाता है थोड़ा सा, तो आप क्या कीजिए, आप एक वीक तक याद कीजिए, ठीक है। आप 6 डे याद कीजिए तो आपके कितने हो जाएंगे, 120 याद हो जाएंगे 6 डे में, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, संडे आता है आपके पास, संडे को आप क्या कीजिए, 120 को रिवाइज कर दीजिए, ठीक है। याद मत कीजिए संडे को याद, आप रिवाइज कर दीजिए। उनको रिवाइज करने में हार्डली आपको 20-30 या फिर 30 मतलब हाफ आवर से ज़्यादा नहीं लगेगा, अगर आपने सीरियस से अच्छे से याद किए हैं, अपने आप से मतलब याद किए हैं, अपने आप को धोखा नहीं दिया ना, तो अच्छे से हो जाएगा आपका, आधे घंटे में हार्डली आपको हाफ आवर ही लगेगा, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा भी लगता है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप उनको करिए। आप अगर संडे को उसको रिवाइज करेंगे ना, तो उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़िए, फिर वन वीक में आपका जो होगा कंप्लीट होगा, फिर 120 कंप्लीट होंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 240 हो जाएंगे, और 240 को आप संडे में रिवाइज कीजिए। फिर वो जो आपके 120 लास्ट वीक के हैं ना, तो वो क्या होगा आपका, वो कम टाइम में रिवाइज हो जाएंगे और फिर इसको हार्डली वही हाफ आवर लगेगा। उसके बाद आपका धीरे धीरे ऐसा रिवाइज करते रहेंगे, आप ऐसे करते रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपका ये होगा कि आप खुद में इम्प्रूव देख पाएंगे, कि आप ना इतना एक्सप्रेस की तरह भागने लग जाएंगे कुछ दिन के बाद, कि मतलब आधा घंटा हुआ नहीं कि आपने 120 का 240 का आगे आपका जितना भी होता गया उतना आप कंप्लीट 480 भी कंप्लीट कर देंगे वन एंड हाफ आवर में ही या फिर वन आवर में ही, ठीक है। तो आप धीरे धीरे ऐसे ही मतलब देख के, हर चीज़ के लिए ना थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ता है, इजीली हमें हलवा बना हुआ कहीं नहीं मिलेगा और ना ही कहीं खाने को मिलेगा, हार्डली हमें थोड़ा टाइम तो अपना देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमें अपना टाइम नहीं देखना है, अगर हमें एग्ज़ाम सीरियसली निकालना है और हम किसी एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं तो हमें कुछ करना पड़ेगा। जो मैं करती हूँ, जो मैं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जो मैंने खुद से किया है वो चीज़ मैं आपको कंप्लीट बता रही हूँ कि ऐसे करके ही करती हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे पास, तो मेरे को ये लगता है कि डेली भी रिवाइज कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने 20 याद किए हैं अच्छे से, उसमें से आप 3-4 पलट के देख लो, 3-4 का अपने आप छुपा के से रख के ऐसे छुपा के देखो, आपको याद हो जाता है तो आपके लिए अच्छा है। डेली 20 मत करो मतलब, लेकिन दो तीन देख लो ताकि आपको ये लगे हाँ सीरियसली आपने याद किए हुए हैं और आपको याद हो भी पा रहे हैं। तो आपका खुद का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो भी इंक्रीज होगा कि हाँ मुझे याद हो पा रहा है। तो वो जो 20 वर्ड आप याद करने वाले हैं ना टुडे, आज याद करने वाले हैं ना, तो वो आज के जो 20 वर्ड हैं वो आपके थोड़े जल्दी याद हो जाएंगे पहले से, क्योंकि ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है कि मैं तो ईजिली याद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी हमारे अंदर इंक्रीज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो इंक्रीज़ आप खुद कर सकते हैं, आपको कोई और नहीं बताएगा, ना ही कोई और आपका इंक्रीज कर सकता है कॉन्फिडेंस, ठीक है। आप खुद ही अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकते हैं डियर। तो ये तो बात हुई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो आप कम टाइम में आप प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो 20 वर्ड्स को आप ऐसे याद करिए, मैंने जो बोला नेचर से मतलब रिलेट करके याद करिए। तो मैं जैसे नॉर्मली मैंने फर्स्ट जो अभी अपने मैंने अपलोड की हुई है एक बुक ऐप की सीरीज, तो उसमें मैंने 20 वर्ड याद कराए हैं, उसमें मैंने ऐसे ही नॉर्मल याद कराए हैं जैसे एसीडुअस। तो एसीडुअस क्या होता है, मेहनती होता है एसीडुअस मतलब। तो मैंने कैसे लिंक बनाया, ऐसी दुआ दो जो हम मेहनती हो जाएं, तो मैं ऐसे ही हर वर्ड का जैसे मैं बना देती हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही मैं याद करती हूँ, मेरा याद करने का यही वे है। इफ़ यू लाइक दैट तो आप भी ऐसे ही याद कर सकते हैं, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो सीरियसली आप भी ऐसे याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप याद कर सकते हैं। और आप अगर खुद से
जो भी लिंक बनाएंगे वो आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम खुद जब लिंक बनाते हैं ना तो हमारा जो मेमोरी होती है ना फुल उस पर मतलब कॉन्सेंट्रेट करती है, मीनिंग पे, वर्ड पे, फिर मीनिंग पे, फिर उसको रिलेट करके उसके जैसा वर्ड जैसा है उसको रिलेट करके एक वर्ड बना के लाती है सामने, हमारा माइंड लेके आ करता है और उसके बाद उसका जो मीनिंग है उससे रिलेट करता है, फिर उसके बाद पूरा सेंटेंस तैयार करता है। तो वो क्या होता है, हमने खुद तैयार किया है तो हम कभी उसको भूल नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं स्टार्टिंग, तो आप ऐसा करिए, आप वीडियोस देखिए, आपको मेरी वीडियोस में जो है ये तरीके का ही आपको मिलेगा। अगर ये आपको वे पसंद आ रहा है तो आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं, मैं पर डे भी एक वीडियो दे दूँगी, लाइव सेशन भी तैयार करूँगी, ठीक है, लाइव सेशन भी स्टार्ट करूंगी, मुझे लगता है कि करना चाहिए। तो अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, और आप रट्टाफिकेशन कर सकते हैं तो आप रट्टा मार के कर सकते हैं, आपको जैसा बेस्ट लगता है, ठीक है, आप वैसा तैयार कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए भी मतलब वोकैबुलरी यूज आती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद हमारा बचता है सिनोनिम एंटोनिम। अगर हमने एकदम सीरियस होके हमने जो है 3500 मैंने जो बताए, ठीक है, तो वेरन की जो मैंने पीडीएफ से 3500 बताए हैं, उन 3500 को अगर आप कंप्लीट मतलब आपने सीरियस होके 3500 वर्ड याद कर लिए तो आपको सिनोनिम एंटोनिम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं बता रही हूँ आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सिनोनिम एंटोनिम वोकैबुलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, आप उस उतने 3500 वर्ड में ही कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ना बहुत छटे हुए वर्ड है, छटे हुए से मतलब एकदम डिफरेंट वर्ड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो वर्ड तैयार किए गए हैं, ठीक है। तो उन वर्ड्स वो वर्ड ही आपको मिलते हैं SSC बैंक PO या फिर रेलवे ले लो आप, टेट ले लो, जो भी आपको ठीक लगता है, वो एग्जाम में सारे वही वर्ड आते हैं, ठीक है। तो वो वर्ड आप इजीली कर सकते हैं, वोकैबुलरी आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जहाँ हम बात करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है डियर, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा वोकैबुलरी से ही सब लिंक होता है, ठीक है, सब वोकैबुलरी से ही होता है। अगर हमने अच्छे से वोकैबुलरी कर रखी है तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सेटिस्फाई नहीं है, आप करना चाहते हैं, तो आप कोई भी एक अच्छी सी मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल होती हैं, आप बुक उठा के कोई भी कर सकते हैं, लेकिन अपने बजट पर ध्यान रखिए, बुक में ज़्यादा पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हार्डली मैं आपको यही बोलूँगी कि आपके कोई फ्रेंड के पास कुछ मिल जाए, या नेट पर आप सर्च कर सकते हैं, आपको कुछ मिल जाए तो आप वहाँ से सीधे बस प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और प्रिंट आउट से आप याद कर लीजिए, ठीक है, तो उससे आप अच्छे से याद कर सकते हैं। और आपका ये जब हो जाए ना कंप्लीट सिनोनिम एंटोनिम जो वोकैबुलरी आपने याद किया ये कंप्लीट आपका याद हो जाए, उसके बाद आप देखिए कि आपको मतलब रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो रिवाइज करने के लिए आप एक बुक मतलब अगर आपके पास है या आपके किसी फ्रेंड के पास है तो आप उस तो आप उसे रिवीजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बुक से रिवीजन करती हूँ, ये बुक है SP बख्शी जी की, ठीक है, इस बुक में काफ़ी अच्छी रिवीजन एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है, तो मैं इस बुक से काफ़ी रिवीजन एक्सरसाइज को कंप्लीट करती हूँ, ठीक है, तो मैं उसमें रिवीजन करती जाती हूँ, उसके बाद अपना जो है टिक लगाती जाती हूँ कि कितना मेरा कंप्लीट होता जा रहा है, ठीक है। उसको टिक लगाने से हमारा क्या होता है, हमें कंप्लीटली पता होता है कि हाँ हमारा इतना हो गया, और फिर मैं लगाती जाती हूँ। इस बुक में आपको होमोनिम्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, आप होमोनिम्स भी अच्छे से कर सकते हैं। होमोनिम्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी वर्ड है वो देखने में भी एक जैसा ये लग रहा है सेम, और उसका जो साउंड है ना वो भी एक जैसा ही आता है, ठीक है, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है डिफरेंट होता है, वो होमोनिम्स होते हैं। इस SP बख्शी में आपको बहुत सारे होमोनिम्स भी मिल जाएंगे, आप वो भी वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपका बचा फोबियाज होते हैं, फोबियाज भी इसमें अवेलेबल हैं, और बाकी और भी बुक्स भी आपको मिल जाते हैं फोबियाज, ठीक है, फोबियाज होते हैं, मीनियाज, ठीक है, तो डर भी होता है, ठीक है, पागलपन होता है मीनिया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें थोड़ा कभी कभी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है, एक दो वर्ड आते हैं तो हम वहाँ से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और इनको कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, आई डोंट नो, बट क्या होता है मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो होमोनिम्स और जो फोबियाज हैं वो कुछ ही फोबियाज हैं सिलेक्टेड के इतने ही आने हैं, उसी में से ही हर साल मतलब जो मतलब बैक टू बैक हर साल जो होता है प्रीवियस ईयर के एग्जाम उठाएंगे वो सॉरी प्रीवियस ईयर के जो आप पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें मतलब वही दो चार या फिर 15-20 फोबियाज हैं, उन्हीं को ही मतलब रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो उन फोबियाज को याद करने की मेरे पास एक ट्रिक है, मैं वही सेम थिंग जो मैंने आपको अभी बताई कि मैं क्या करती हूँ नेचर से ऐड कर देती हूँ, ठीक है, नेचर से ऐड करने के बाद सेम वही थिंग मैं अपना सेंटेंस बना के रिलेट करके उसको और याद कर लेती हूँ। तो मैंने ऐसे ही सब फोबियाज भी याद किए हुए हैं,
अब मैं अगर मेरे को जैसा ठीक लगेगा, जैसे जैसे मेरे पास कमेंट या फिर स्टूडेंट का नीड लगेगी मुझे, ठीक है, तो मैं उनको भी एक दो दिन में आपका कंप्लीट करा दूंगी, फोबियाज और मेनियाज, ठीक है, तो आपकी वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो बचा आपका 3 मंथ्स का जो आपका टारगेट होगा एग्जाम के लिए, तो 3 मंथ्स में आप खुद देख सकते हैं अपने आप को, अगर 20 वर्ड आपने, मतलब डेली आपने 20 वर्ड कंप्लीट किए हैं अगर, तो आप देख सकते हैं कि आपका 3 मंथ्स में जो एग्ज़ाम है वो आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एकदम रेडी हो जाएंगे। आप रेडी हो जाएंगे, आप दे सकते हैं कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम। जहाँ लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में हम फेल हो गए या वोकैबुलरी हमें नहीं आती, हम नहीं याद कर पाते इतनी वोकैबुलरी, कहाँ तक रट्टा मारे नहीं होता, वहाँ तक आप लोग नहीं जाएंगे। जितना मैं बोल रही हूँ उतना आप कर लीजिए। आपका इंग्लिश में, हाँ मैं बोल रही हूँ कि इंग्लिश में आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको वोकैबुलरी का जो मैं पार्ट बता रही हूँ वोकैबुलरी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना आप कर लेंगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से बहुत अच्छे से कर सकते हैं अपना, अगर इतना ही सेक्शन तैयार करेंगे। और आप अगर सोच रहे हैं कि 20 वर्ड में तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा याद करने में, इट्स रॉन्ग, आप गलत हैं। आपको हार्डली हाफ आवर लगेगा, बहुत ज़्यादा अगर आप लेते हैं टाइम, अगर आप बहुत ज़्यादा याद नहीं कर पाते हैं तो आपको हार्डली हाफ आवर लगेगा, मैं आपको बोल रही हूँ। वरना 20 वर्ड को याद करने के लिए पर, अगर आप नॉर्मली अगर आप याद करने लगेंगे ना बाद में, तो आपको 1 वर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट ही लगेगा, 1 वर्ड 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में आप लिंक भी बना लेंगे, तैयार भी कर लेंगे और आप याद भी कर लेंगे, और आप खुद देख भी सकते हैं अपने आप को अगर आप ऐसे याद करेंगे तो। 3 मंथ्स के बाद, आफ्टर 3 मंथ्स क्या होगा कि आप अच्छे से, बहुत अच्छे से कर पाएंगे कुछ भी, ठीक है, बहुत अच्छे से आप याद कर पाएंगे, बहुत अच्छे से आपको कोई भी नया वर्ड मिल जाए आप उसका लिंक बनाएंगे और फटाफट से उसका सेंटेंस बना के और आप कर देंगे। और आप देखेंगे 1 वीक में भी अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आपको थोड़ा बहुत ज़रूर याद होगा, ठीक है डियर। और इसमें आपको ना बुक के पीछे नहीं भागना है कि मैंने SP बख्शी बताई तो आप SP बख्शी को ही लेने भाग पड़े मार्केट के, बस मैं फटाक से SP बख्शी ले आऊँ और मैंने बताई थी और घोल के पी जाओ। खोल के कोई नहीं पिलाता है और ना ही कोई पीता है, हमें हार्डवर्क थोड़ा करना पड़ता है, हमें किसी भी चीज़ के लिए हमें थोड़ा वर्क तो करना पड़ेगा, ठीक है। खाना खाने के लिए भी हमें हाथ चलाना पड़ता है, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा डियर। अगर आप पाना, कुछ अच्छा पाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा करिए, स्टार्टिंग करिए, उसके बाद आप खुद देख पाएंगे आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है और आप खुद अच्छे से ज़्यादा वर्क करने की कोशिश करेंगे कि मैं जल्दी से जल्दी और भी बहुत कुछ कर लूँ, ठीक है। तो ये होता है, मतलब ये आपका हुआ जो कम टाइम में फर्स्ट कैटेगरी आ गई आपकी, कम टाइम में आप कैसे तैयारी करेंगे। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, 1 साल है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब पूरी लाइफ ही है, ठीक है, बस आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, आप अपने बुक के अच्छा करना चाहते हैं, आप जो है जब किसी के सामने इंग्लिश बोले तो आप हाइएस्ट वर्ड यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करिए, जनरल वे में अगर आप देखें तो जनरल वे में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप क्या करिए, रीड अलॉट, राइट अलॉट, लिसन अलॉट, ठीक है। फॉर जैसे कि मैंने क्या बोला, रीड अलॉट मतलब आप पढ़िए, बहुत पढ़िए, पढ़ते रहिए। लोग कहते हैं कि पढ़ने से कैसे वोकैबुलरी सुधर सकती है, अगर हम पढ़ेंगे, अगर हमें किसी टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट आने लगा, नॉर्मली अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं और हमें इंटरेस्ट आता है, कुछ लोग को नहीं आता और ज़्यादातर मोस्टली लोगों को नहीं आता है न्यूज़पेपर में, कोई बात नहीं, आप न्यूज़पेपर मत पढ़िए, आपको जिसमें इंटरेस्ट आता है ना, आपको मैगजीन उठा के पढ़ने लगी। सबसे बेस्ट जो आपका प्लेटफॉर्म होता है नोवेल होती है, अगर आप नोवेल पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा कि नोवेल का सेकेंड पार्ट क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं उसमें, अगर आपको कोई वर्ड मिलता है, ठीक है, तो वर्ड का क्या करते हैं, आप मीनिंग देखना भी पसंद करते हैं क्योंकि आपको पूरा सेंटेंस ही नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, तो आप रीड करते रहिए, आपको जो मीनिंग नहीं आएंगे तो आप देखने की कोशिश करेंगे और उसको, उसके बाद आपका क्या होगा ना, आप जब आगे बढ़ेंगे और वो नेक्स्ट वो टाइम वो वर्ड आएगा तो आपको याद भी रहेगा वो वर्ड, क्योंकि ना आपने सेंटेंस में पढ़ा था, आपने उसमें जब आप नोवेल पढ़ रहे थे तब आपने पढ़ा था, तो आपको याद रहेगा। आप नोवेल पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, आपको जो बेस्ट बुक लगती है ना आप वो पढ़िए, आप मत सोचिए कि अरे ये तो ऐसी बुक है इससे क्या मिलेगा। सब, हर एक चीज़ जो भी बनी है ना लाइफ में, उसका अगर कुछ नेगेटिव फैक्ट है ना तो कुछ पॉजिटिव फैक्ट भी ज़रूर होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव ही मिलते हैं हमेशा, ठीक है। तो हर चीज़ में हमारा पॉजिटिव फैक्ट होता है नेगेटिव फैक्ट के साथ साथ, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे उसमें ना पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कीजिए, आप उस बुक को पढ़िए, बार बार पढ़ेंगे कोई भी बुक को तो आपको बहुत सारे मीनिंग जो है आपके क्लियर हो जाएंगे, आप खुद देख पाएंगे, आपका जो अंदर से आपकी जो आवाज़ आएगी ना, आप खुद सोच सकते हैं, आप खुद पूछ सकते हैं अपने आप से कि कुछ वोकैबुलरी क्लियर हुई यहाँ से या नहीं, ठीक है। मैंने नेक्स्ट बोला
राइट अलॉट, राइट अलॉट मतलब हम कुछ भी लिखते हैं ना, जब हम कुछ भी लिखने की कोशिश करते हैं, हम किसी को मैसेज ही सेंड कर रहे हैं, अगर हम लिख रहे हैं कुछ तो हम क्या करते हैं, बार बार सोचते हैं ये सेंटेंस में ये वाला वर्ड ऐड करें तो ठीक रहेगा। आपका खुद का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, कई बार मैं भी कंफ्यूज होती हूँ लिखते टाइम, मैसेज करते टाइम, टाइप करते टाइम, तो मेरा दिमाग ना पूरी तरीके से घूम जाता है ऐसे कि ये सही है कि ये सही है, क्या लगाना चाहिए। और राइट करते टाइम हम क्या सोचते हैं, हमारा जो है ना स्पेलिंग भी हमारी उस टाइम पर टेस्ट होती है, ठीक है, तो स्पेलिंग भी यहाँ से हमारी बहुत ज़्यादा ठीक हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती हमारी जब हम राइट करते हैं बार बार किसी भी चीज़ को, तो आप भी वो चीज़ कर सकते हैं, स्पेलिंग भी आपकी सुधर जाएगी उससे, ठीक है, और आपके वर्ड भी याद हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं और लॉन्ग टाइम है आपके पास, तो स्पेलिंग टेस्ट का भी एक जो है 2 नंबर का आता है, 2 मार्क्स का एक 2 आते हैं कई बार, स्पेलिंग टेस्ट कई बार 1 भी आते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है अगर 2 भी आ गए तो आपका 4 मार्क्स हो गया, अगर 1 भी आया तो 2 मार्क्स हो गया, क्योंकि आजकल तो 2 मार्क्स जो भी है 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स होते हैं हमारे, ठीक है, तो हमारा स्पेलिंग टेस्ट भी वहाँ से क्लियर होगा और हम लिखते हैं जब तो सेंटेंस हम पूरा क्लियर करने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमारा जो है इंग्लिश में वोकैबुलरी और उसके साथ साथ सेंटेंस अरेंजमेंट भी हमारा काफी हद तक ठीक हो जाता है, ठीक है। मैंने कहा लिसन अलॉट, हम कुछ भी सुनते हैं ना, तो कुछ भी अगर हमें समझ में नहीं आता ना तो हम कहते भी हैं कई बार, इसने बोला क्या, फिर बैक करते हैं, फिर सुनते हैं, फिर बैक करते हैं, फिर सुनते हैं, तो क्या होता है ना उससे कि हमें क्लियर होती है वो चीज, अगर हमें नहीं भी आता तो हम कई बार डिक्शनरी उठा के भी देखते हैं, कई बार ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा कुछ सुनने में तो आप नॉर्मल क्या सुनिए, सेमिनार्स सुनिए, सेमिनार्स होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत ब्यूटीफुल वर्ड मिलते हैं आपको कई बार, ठीक है, किसी ने बोल दिया कुछ, आप क्या सोचते हैं इतनी अच्छी स्पीच थी लेकिन इसका ये वर्ड क्या था, ये वर्ड तो मुझे देखना ही देखना है, वो वर्ड आप खुद देखते हैं, ठीक है, उससे किसी से पूछ भी लेते हैं कई बार तो कि ये क्या बोला इन्होंने, तो वो आपको पता चलता है और वहाँ से आपको क्या होता है कि आप खुद भी वो चीज़ याद रखेंगे नेक्स्ट टाइम से, ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद आप मूवीज देख सकते हैं, मूवीज का जो होता है नीचे टाइटल लिख के आता है, इंग्लिश में लिख के आता रहता है और ऊपर से वो बोलते रहते हैं, जब वो बोलते हैं ना तो उससे क्या होगा आपका प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होगा, इंग्लिश में जब वो बोलते हैं तो बहुत तेजी से बोलते हैं तो उससे प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा, आपका जो कैचिंग पावर है, ठीक है, वो भी मतलब एकदम बढ़ जाएगी आपकी, आप चीज़ों को जल्दी जल्दी कैप्चर करने लगेंगे, आपकी वोकैबुलरी भी बहुत ज़्यादा समझेगी, ठीक है, तो आप इसलिए मैंने बोला रीड अलॉट, राइट अलॉट एंड लिसन अलॉट, ठीक है, तो यहाँ से आपका ये चीज़ कंप्लीट होगी जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, आप जो वर्ड आप याद करते जा रहे हैं उसको एक डिक्शनरी बनाने की कोशिश करिए, पॉकेट डिक्शनरी, ठीक है, छोटी सी डायरी आती है कई बार, इतनी बड़ी डायरीज आती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करिए, आपको वर्ड जो भी आपको याद हुए, आज 20 वर्ड याद हुए, अगर आप याद करते करते लिखेंगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा और वो याद भी हो जाएगा, वहीं उसका सेंटेंस भी लिख दीजिए, फटाफट फटाफट करते जाइए, 20 वर्ड हार्डली मैंने बोला था हाफ आवर लगेगा और हार्डली 10 मिनट और ले लीजिए अगर आप लिखने में टाइम लगाते हैं तो, ठीक है, तो 40 मिनट हुए आपके ये। और डिक्शनरी को जो है ना, पॉकेट डिक्शनरी को ना 3 कैटेगरी में जो है डिवाइड कर दीजिए, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल या फिर तो 3 कलर की ले लीजिए, उसे कलरफुल ले लीजिए, 3 कलर की डिक्शनरी मतलब एक डायरी ले लीजिए, तो उसमें क्या करिए, फर्स्ट जो फर्स्ट कलर है या फर्स्ट जो पेजेस है उसके, जिस कलर के भी हैं, ठीक है, उन पे क्या करिए, उन पे आप वो वर्ड को लिखिए जो आपको एकदम फर्स्ट क्लास याद हो गया, जो आपको लग रहा है आप नहीं भूल सकते हैं, ठीक है, ऐसे वर्ड को लिख दीजिए। सेकेंड पेज जो आपका आया, ऐसे वर्ड को लिख दीजिए, सेकेंड कलर जो आया आपका, जिसमें आपको लग रहा है कि आप मतलब याद तो हो गया लेकिन मतलब थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन में भी है, ठीक है। थर्ड जो आपको याद नहीं हो पा रहा, बार बार आप पढ़ रहे हैं फिर आपको फिर से जब रिवाइज करते हैं तो वो फिर से भूल जाते हैं, तो आप उसको वहाँ लिखिए, फिर उसके बाद जब रिवाइज करें ना तो सबसे पहले उसको रिवाइज करिए, अगर जो याद है आपको उसके लिए टाइम नहीं बचता तो कोई बात नहीं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको रिवाइज करिए जो आपको बिल्कुल याद नहीं रहता कई बार, ठीक है। सेकंड अगर आपके पास टाइम है फिर उसको रिवाइज करिए जो आपको याद है लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन में रहता है, ठीक है। तो ऐसे आप डिक्शनरी बना लेंगे, उस डिक्शनरी को आप पॉकेट में रख सकते हैं, आप कहीं पे भी हैं, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, अगर आपको बहुत इंटरेस्ट आने लग गया है अपनी पढ़ाई में तो आप ज़रूर खोल के देखेंगे उस डिक्शनरी को और आप ना याद कर सकते हैं। कई बार तो लोग क्या करते हैं, दिखावा करने के लिए भी कई बार अपना बुक खोल के बैठ जाते हैं या अपना पढ़ाई का कुछ खोल के बैठ जाते हैं कि देखो ये लोग तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसमें भी क्या होता है, आप 2-4 वर्ड भी अगर 2-4 पेज भी पलटेंगे ना तो आपके सामने जो वर्ड आएंगे वो आपको याद रहेंगे, आपका रिवाइज हो जाएगा, अरे हम तो दिखावा ही कर रहे थे और हमारा रिवाइज भी हो गया, इट्स वेरी गुड फॉर मी,
ठीक है, ये हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आप डिक्शनरी को जरूर तैयार करिए। मैं भी ऐसा करती थी, ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। ठीक है, और ये मैं मतलब आज भी हमेशा करती हूँ। ऐसा नहीं है हम किसी भी चीज़ में महान नहीं बनते कभी भी, हम जो भी चीज़ करते हैं हम हमें ना मतलब कंटिन्यू करते रहना चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ को मतलब छोड़ देंगे, हम पीछे छोड़ आए किसी भी चीज़ को, तो वो चीज़ हम दोबारा अगर हम सोचे भी ना कि हम वही मतलब फ्लो लाएँ और वही तरीके से हम कर पाएँ, तो वो नहीं हो पाता है। ठीक है, वो थोड़ा दिक्कत आ जाती है, प्रॉब्लम करता है वो थोड़ा सा हमारे लिए। फिर आगे जाके हम करेंगे दो चार महीने के बाद, तो हम दो चार महीने तो हम राइट भी छोड़ देना, लिखना भी, तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम करता है। ठीक है डियर, तो अगर आप ऐसे करके लॉन्ग टाइम है तो आप ऐसे करके भी तैयारी कर सकते हैं। शॉर्ट टाइम में आप अपना 20 वर्ड पर डे याद करिए, संडे को आप अपना रिवाइज करिए, और 3 मंथ्स के बाद आप अपना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वोकैबुलरी में मार्क मत करिए। ठीक है, और ऐसा आप सीरियसली ट्रस्ट मी अगर आप करके देखिए एक बार, ठीक है, आप 10 डेज तक करके देखिए, 20 डेज तक करके देखिए, और अगर आप सीरियसली अगर आप सहमत हैं मेरे से तो आप इनको बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये फॉर्मूला मतलब कुछ हद तक आगे बढ़ पा रहा है या नहीं बढ़ पा रहा है। ये बढ़ता है, और ये सिर्फ मैं ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रही हूँ, ऐसा कई सारे एक्सपीरियंस लोग भी मतलब ये शेयर करते हैं कई बार कि ऐसा मतलब जो है ना, हम वर्ड को याद करें पर डे, और फिर हम रिवाइज करें, और फिर हम अपना रिजल्ट खुद ही 1 मंथ में, 10 डेज में, 20 डेज में अपना खुद का रिजल्ट हम चेक कर सकते हैं कि हमें कैसा रिजल्ट मिल पा रहा है। ठीक है डियर, तो टाइम अपना टाइम है, मेहनत करने का टाइम है, तो अपने रूट वर्ड भी आप याद कर सकते हैं। रूट वर्ड क्या होते हैं, जैसे कि कोई भी एक वर्ड ले लिया, ठीक है, तो उसमें जो लास्ट में, जैसे मैंने एक आपको रूल बताया है अभी, मैंने पढ़ाया था नाउन में, वो रूल था ICS, जिसके लास्ट में लगा होता है, जो सब्जेक्ट क्लास में ICS लगा होता है। ठीक है, उसमें क्या लगाते हैं, प्लस सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, वो रूल था। ठीक है, तो मैं ऐसे ही ICS लास्ट में लगा होता है, ठीक है, तो रूट वर्ड में बताती हूँ। ICA जैसे कि इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, ठीक है, तो ये सारे क्या हो गया, ICS लगा है, तो मैंने सारे ICS के वर्ड उठा के याद कर लिए, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, ठीक है, सिविक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स, ऐसे सारे वर्ड याद कर लिए। तो यही सारे रूट वर्ड होते हैं, इसमें सबको इंटरेस्ट नहीं आता, कोई बात नहीं, जिसको इंटरेस्ट नहीं आता वो मत करो, जिसको इंटरेस्ट आता है, जो कर पा रहा है वो कर लो। ठीक है, वो उससे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप बहुत बेनिफिशियल अपने खुद में फील कर सकेंगे कि आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि फिट की बात आ गई, बेनिफिट, तो ऐसे ही लास्ट में फिट 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 जो भी होंगे वर्ड, आप उनको याद कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे आप अपना वोकैबुलरी को बहुत इजीली अपना इंक्रीज कर सकते हैं, और आप खुद अपने आप में देख सकते हैं कि आप कितना अच्छे से कर पा रहे हैं। सो डियर, आप एक बार ट्राई करके देखिए, जस्ट ट्राई इट। ठीक है, हमें लाइफ में सब कुछ ट्राई करना चाहिए, और आप तो कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, आप सीरियस है अपने एग्जाम के लिए, तो आई जस्ट होप कि आप लोग ट्राई करेंगे। अगर आप ट्राई करेंगे तो आप कुछ भी नहीं, आप ऐसा करिए, आप जब ट्राई करेंगे ना, तो आप सीरियसली आप मेहनत करेंगे तो आप अपना मतलब जो है प्रॉफिट भी मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, फल ज़रूर मिलता है आपको, इससे प्रॉफिट ही होगा, कोई लॉस नहीं होने वाला है, और आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। आपको स्पीकिंग में भी इनफैक्ट वोकैबुलरी की नीड होती है, तो उसमें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा ये। ठीक है डियर, सो ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आप सारे जो भी एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए सारे लोग पास हो जाएं। ठीक है, जो भी करना चाहते हैं सारे लोग उसमें आगे बढ़े। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जो भी जो कुछ भी करना चाहता है वो बन जाए। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट यू, एंड बाय बाय गाइस, टेक केयर योरसेल्फ, बाय। सो डियर, ये मेरी छोटी सी एडवाइस थी आप लोग के लिए, ये कंप्लीट हुई। ठीक है, मेरा सेशन जो आज का था, वोकैबुलरी को हम कैसे मतलब वो याद कर सकते हैं, कैसे हम लर्न कर सकते हैं, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है कि हमारे बहुत सारी चीज़ों में यूज़ में आती है। ठीक है, तो मेरा सेशन यहीं ख़त्म होता है, एंड ये सेशन आप लोग यहाँ तक देख पाए, ये बहुत बहुत थैंक यू, एंड धन्यवाद दोस्तों, सो धन्यवाद फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं लाइव सेशन ले सकूँ, जितने ज़्यादा लोग होंगे मेरे साथ मैं उसको लाइव सेशन ले सकती हूँ, क्योंकि कम लोगों में तो ना ही मैं स्टार्ट करूँगी पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन मैं स्टार्ट कर रही हूँ लाइव सेशन, उसमें भी
वह कम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो ना ही आप लोगों का वो कंपटीशन हो पाएगा, ठीक है। जितना आप लोगों का कंपटीशन होता है और जितना मेरे पास मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे उतना मैं भी पढ़ाने में इंटरेस्ट लूँगी, और जितना आप लोग के पास कंपटीशन होगा, आपके दोस्त ज़्यादा होंगे, उतना आप भी पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे। तो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों, ठीक है, उससे मैं आपको लाइव सेशन स्टार्ट कर सकूँ। ओके डियर्स, बाय बाय।